बंधु। हाँ हाँ अन्ना एक दिन पहले पहुंच गया यहाँ। हाँ क्या हुआ राजेश भाई, कौन अन्ना कौन है? बाबा मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप मेरे साथ नीचे चलिए। अन्ना पापा के फ्लैट में पहुंच गए ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, जल्दी आइए। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो राजेश भाई। वंदना भाभी हाँ? ये अन्ना मतलब राधिका आंटी के वो भाखरवाड़ी वाले भैया बालकृष्ण गोखले तो नहीं? हाँ। तो उनका और श्रीनिवास अंकल का तो झगड़ा चल रहा है ना, तो फिर वो यहाँ कैसे? जान दो। शाबाश तलवार। रुक क्या, अरे रंगीत जैकेट, जरा ये सामान पकड़। रंगीत जैकेट? व्हाट रंगीत जैकेट? अब जो भी ये भेज बिस निकाला है ना तूने, वो सब छोड़, ये सामान भी मत पकड़ के। देखिए मिस्टर, आप उस आदमी से बात कीजिए। तू आदमी नहीं है क्या? देखिए मुझे काम पे जाना है, मुझे देर हो रही है। लेकिन सर्कस बिरकस तो बंद हो गया है ना अभी कोरोना में। देखिए देखिए बहुत बुरा कर रहे हैं आप। मतलब आपने आपके पापा को अन्ना बनकर और अन्ना को पापा बनकर फोन किया? और कोई चारा ही नहीं था ना दोनों की दुश्मनी दूर करने का। हमारा प्लान ये था कि अन्ना राखी के दिन आएंगे और अगर दोनों को पता चल भी गया तो भी एटलीस्ट मम्मी के हाथों राखी तो बनवा ही लेंगे ना। लेकिन अन्ना आज आ जाएंगे ये हमें पता नहीं था। कुछ भी करके अन्ना को ना पापा की नजरों से दूर रखना है। आप मेरा इस सेंट्रल हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन का ऑनरेबल सेक्रेटरी का अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं आप, वो भी वॉचमैन के सामने। कौन कौन है, कौन आप हैं और आपको कहाँ जाना है? मैं कौन हूँ? रुक अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट, व्हाट, ओह माय गॉड, ये मेरे मामा है अन्ना गोखले और ये हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है दक्षेश जोशीपुरा।